का स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची। भगदड़ में करीब 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। भगदड़ में 13 लोगों के घायल होने की भी खबर है। करीब 2:45 पर माता वैष्णो देवी भवन की ये घटना है। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा हादसा माता वैष्णो देवी के दरबार पर, जहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई। इन 12 लोगों में 4 लोग यूपी के शामिल हैं, वहीं करीब 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और तमाम घायलों का इलाज जारी है। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में करीब 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 4 लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। तो भगदड़ में करीब 13 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। इस पूरे हादसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में हमें अराउंड 2:30 इंफॉर्मेशन मिली और इमीडिएटली जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज डिजास्टर एक्टिवेशन कोड इनिशिएट किया गया एंड विद इन 15 to 20 minutes हम लोग रेडी थे कैजुअलिटीज लेने के लिए। द फर्स्ट कैजुअलिटी जो हमारे हॉस्पिटल में अराउंड आई थिंक 10 to 3 अराउंड 3 आनी शुरू हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और एक्स्ट्रा नर्सेज, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एवरीबडी वॉज रेडी। This we received around 50 और आपको बता दें भगदड़ में करीब 13 लोगों को घायल हुआ है और अस्पताल में 13 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची और वहां पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में से 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में यूपी के 4 लोग शामिल हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से बातचीत की है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा से हादसे के बारे में भी जानकारी ली। अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना जताई है। 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। मरने वालों के परिजनों को अब 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना जताई और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो मरने वालों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से बात की और एलजी मनोज सिन्हा से हादसे के बारे में जानकारी दी। अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही मरने वालों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान अमित शाह ने किया। आपको बता दें कि हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से बातचीत की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां अमित शाह ने मरने वालों के लिए संवेदना जताई है और करीब 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है।